श्री गणेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार, हंसने वाले और मजाक उड़ाने वाले लोगों की परवाह मत कीजिए। जब आप सफल हो जाएंगे तब यही लोग आपकी नकल करने लगेंगे। आज की तारीख 24 जून 2021, आज का वार गुरुवार। आज ज्येष्ठ माह का अंतिम दिवस 30वां दिवस है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 12:09 मध्य रात्रि तक रहेगी, तदुपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 24 जून 2021 के सूर्योदय का समय रहेगा 5:25 सुबह, सूर्यास्त का समय रहेगा 7:23 शाम को, चंद्रोदय का समय रहेगा 7:11 शाम को और चंद्रास्त का समय आज नहीं है, आज चंद्रास्त नहीं होगा। आज का नक्षत्र ज्येष्ठा 9:11 सुबह तक रहने वाला है, इसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। जिन व्यक्तियों के नाम अक्षर नो या यी यू से शुरू होते हैं वे लोग ज्येष्ठा नक्षत्र के माने जाते हैं। इनकी राशि होती है वृश्चिक, राशि स्वामी मंगल, तत्व इनका रहता है जल से संबंधित, गण इनका राक्षस, नाड़ी आदि नक्षत्र देवता इंद्र और स्वभाव तीखे स्वभाव के तीक्ष्ण होता है। आज की सूर्य राशि है मिथुन, आज की चंद्र राशि वृश्चिक 9:11 सुबह तक रहेगी, इसके बाद चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेगा। आज का पहला कर्ण विष्टि 1:49 दोपहर तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण भव 12:09 मध्य रात्रि तक रहने वाला है। आइए जानते हैं विष्टि कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बारे में, कैसा होता है इनका व्यक्तित्व। विष्टि कर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति गलत कार्यों में शीघ्र ही शामिल हो सकता है। अनुचित कार्य करने के कारण उसे कई बार मान हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धन के प्रति अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण संभवतः वह व्यक्ति ऐसा कार्य करता है। इस कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति वह विपरीत लिंग विषयों में अधिक रुचि ले सकते हैं। इसके कारण उसका स्वयं का वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो जाता है। दवाइयों का निर्माण और दवाइयों से जुड़ा व्यापार करने से व्यक्ति को आजीविका प्राप्त होने के योग बनते हैं। इस योग का व्यक्ति प्रयास करने पर चिकित्सा जगत में उत्तम धन और मान सम्मान कमा सकता है। जिस तिथि में विष्टिकरण चल रहा हो वह तिथि भद्रा कहलाती है। विष्टिकरण भद्रा तिथि कहलाती है। भद्रा तिथि में शुभ कार्य करने वर्जित होते हैं। भद्रा समय में कठोर कर्मों को अनुकूल कहा जाता है। इसमें अनिष्टकारी काम ही बेहतर माने जाते हैं, जैसे युद्ध के काम, किसी प्रहार करने के काम, कैद में रखने जैसे काम, किसी को सताने जैसे काम, जहर देने के काम, किसी पर मुकदमा करना या मुकदमा चलाना आदि काम, अपने विरोधियों को प्रताड़ित करना, ये काम भी विष्टिकरण के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं भवकरण के विषय में। भवकरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति जीवन में अपने कार्यों के लिए समाज में सराहे जाते हैं। वह अपने गुरुओं और बड़ों का आदर करने वाले भी होते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से खुश मिजाज प्रवृत्ति और प्रकृति का होता है। वह आशावादी स्वभाव का होता है और उसकी सोच विस्तृत होती है। इसके अतिरिक्त वह धार्मिक आस्था से युक्त होता है। शिक्षा क्षेत्र में वह अपनी योग्यता के लिए सम्मान प्राप्त करते हैं। शुभ प्रकृति के कार्यों को करने में सदैव अग्रणी भूमिका निभाते हैं और दूसरों को सहयोग देने या दान धर्म में उनकी स्वाभाविक विशेष रुचि होती है। उदारवादी होने के कारण दूसरों के दुख बांटने का प्रयास ऐसे लोग करते हैं। भवकर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति स्थिर स्वभाव वाले होते हैं, स्थिर विचारों वाले होते हैं।
वव कर्ण को शुभ कर्ण की श्रेणी में रखा गया है। इस कर्ण में सगाई, विवाह, गृह निर्माण, गृह प्रवेश इत्यादि शुभ कार्य, मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। यह कर्ण किसी काम को शुरू करने या किसी यात्रा को करने के लिए भी किया जा सकता है। वव कर्ण में व्यक्ति परीक्षा इत्यादि में सफल हो सकता है, साथ ही साथ किसी प्रकार के अधूरे बचे हुए कामों को पूरा करने का भी इस कर्ण में मौका मिलता है। इस समय पर व्यक्ति अपनी जीत के लिए बहुत अधिक प्रयासशील रहता है। व्यक्ति साहस और मेहनत से भरे कार्यों को कर सकने में भी सक्षम होता है। आने वाली महत्वपूर्ण तिथियों में 24 तारीख को ज्येष्ठ पूर्णिमा, वट पूर्णिमा व्रत, पूर्णिमा उपवास, कबीरदास जयंती, 25 तारीख को आषाढ़ माह प्रारंभ हो जाएगा और 27 तारीख को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। मित्रों, संकष्टी चतुर्थी व्रत देखने के लिए हमारे आई बटन पर क्लिक करें और कथा का आनंद लें। आज का योग शुभ 6:06 सुबह तक रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा जिसका समय रहेगा 2:16 अगले दिन सुबह। आज की दिशा शूल है दक्षिण। इसके निवारण के लिए जीरा या दही खाकर प्रस्थान करें। ऐसा करने से दिशा शूल का प्रभाव कम हो सकता है। आइए जानते हैं आज के योग के बारे में। शुभ योग, किसी भी प्रकार का महान या जनहित का कोई कार्य करना हो तो इस योग में शुभ फलदायी होता है। इस योग में कोई कार्य करने से मनुष्य महान बनता है और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 11:56 सुबह से 12:52 दोपहर तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय 2:43 दोपहर से 3:39 दोपहर तक रहने वाला है और ब्रह्म मुहूर्त 4:04 से 4:44 सुबह तक रहेगा। आज के शुभ समय में सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग 12:56 मध्य रात्रि से 2:22 मध्य रात्रि के बाद तक रहेगा। रवि योग का समय 5:25 सुबह से 9:11 सुबह तक रहने वाला है। मित्रों, ये दोनों ही योग, तीनों ही योग बहुत ही शुभ है। इसमें सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य आप लोग कर सकते हैं। आज का अशुभ समय, आज का राहु काल 2:08 दोपहर से 3:53 दोपहर तक रहेगा। यमगंड काल का समय 5:25 सुबह से 7:09 सुबह तक रहेगा। इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य शुरू ना करें, अन्यथा विघ्न आ सकता है। आइए जानते हैं आज के दिन का चौघड़िया। शुभ समय रहेगा 5:30 सुबह से 7:16 सुबह तक। चर समय अर्थात सामान्य समय 10:46 सुबह से 12:31 दोपहर तक रहेगा। लाभ समय की बात करें तो 12:31 दोपहर से 2:17 दोपहर तक रहेगा। अमृत समय 2:17 दोपहर से 4:01 तक रहने वाला है और शुभ समय 5:47 शाम से 7:33 शाम तक रहेगा। आज रात के चौघड़िया में अमृत समय 7:33 शाम से 8:47 शाम तक रहेगा। चर समय अर्थात सामान्य समय 8:47 शाम से 10:02 शाम तक रहेगा। लाभ समय 12:31 मध्य रात्रि से 1:47 अगले दिन सुबह तक रहेगा। शुभ समय 3:00 अगले दिन सुबह से 4:16 तक रहेगा। अमृत काल का समय 4:16 अगले दिन सुबह से 5:31 तक रहने वाला है। मित्रों, इस पंचांग में आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, यह बात कमेंट में अवश्य लिखें ताकि उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जा सके। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट, नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।